क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों को पढ़ना है जावा। हम लोग जावा पढ़ने जा रहे हैं। सो जावा क्या है, यहां पे क्वेश्चन आता है। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज जावा? कोई बताएगा जावा क्या है? सर, इट इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई बता सकता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कोई बता सकता है? सर वेयर यू मेक प्रोग्राम। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं होगा। फाइन, देखेंगे हम लोग। तो चलो पहले इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले, व्हाट इज जावा? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम ये समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले ये समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। सो लैंग्वेज क्या होता है? अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से ज्यादा लोग को आपस में बात करना है तो किसी लैंग्वेज में बात करेंगे, राइट? वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। वो लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इतना क्लियर हो गया ना? यस बट सर। ये जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, सॉरी, ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन यूज करता है, ठीक है? इन लैंग्वेजेस की हेल्प से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो सपोज किसी ह्यूमन को सपोज अगर किसी ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, अब मैं कंप्यूटर बोल रहा हूं तो उसमें तुम्हारा मोबाइल और सब चीज आ गया, ठीक है? मोबाइल भी एक तरह कंप्यूटर ही होता है। तो अगर किसी ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, सो क्या तुम कंप्यूटर से इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो? नो सर, हिंदी नो में सर, कर हिंदी में कर सकते हो? नो नहीं, सर, किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज समझता ही नहीं है। तो जो डेवलपर्स थे उन्होंने दिमाग लगाया, जो साइंटिस्ट थे, कि भाई इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि अगर कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, तो हमें ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कंप्यूटर समझे। तो यहाँ पे आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है? और जो सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था वो था सी। हालांकि सी के पहले भी बहुत सारे लैंग्वेज आए थे, बट पहला जो अच्छा लैंग्वेज था, जो ह्यूमन भी आराम से समझ सके और कंप्यूटर भी समझ सके, वो था सी। सी के बाद एक और लैंग्वेज आया, C++। उसके बाद फिर बहुत सारे लैंग्वेज आए, जावा आया, C# हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। इन सब की हेल्प से ह्यूमन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते, ठीक है? समझ में आया इतना सबको? यस इन सारे कंप्यूटर यस लैंग्वेजेज में से हमें कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है? हमें पढ़ना है जावा। क्लियर? यस ओके। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, यानी जावा भी क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। बट इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? जावा को कंप्यूटर लैंग्वेज तो समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? अब देखो इसका आंसर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के लिए अब हमें एक और क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम? सो अब जैसे दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? पर्सन ए पर्सन बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पर्सन ए कुछ इंस्ट्रक्शन देगा बी को, कुछ बोलेगा या लिख के देगा, बी उसको रीड करेगा, फिर अपना आंसर देगा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, राइट? ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है ना दो लोगों के बीच में। यस सर। और इसके लिए हम ना किसी ह्यूमन लैंग्वेज का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, किसी भी ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? ये जो ह्यूमन है कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को लिख के, और इंस्ट्रक्शन किस लैंग्वेज में लिख के देगा? कंप्यूटर लैंग्वेज में, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज हो सकता है। हम जावा पढ़ने जा रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन जावा लैंग्वेज में लिखेंगे। सो
जिस ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के देगा जावा लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, मतलब रीड करके एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपना आंसर देगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जावा लैंग्वेज में, इसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम। सो व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर द कंप्यूटर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर द कंप्यूटर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में हम लिखते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। इसीलिए हमारे जितने कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, इसलिए इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो जावा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, तीनों चीज बिल्कुल क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। ओके, सो जस्ट वेट फॉर मी मिनट। तो हम ये, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है जहां मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं, इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको तुम लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इंटरनेट पर सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड या फिर शॉर्ट में वीएस कोड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ऐसे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, मैं प्रोग्राम को रन कैसे कर रहा हूँ, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, अभी ये तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ तुम लोग प्रोग्राम पे फोकस करोगे, जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा और जो उसका आउटपुट आएगा उस पर फोकस करोगे। जब तुम लोग को प्रोग्राम लिखना होगा तो मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि वीएस कोड किसके कैसे डाउनलोड होगा, प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, वो पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा। तो मैं कहाँ प्रोग्राम रन कर रहा हूँ इसके लिए परेशान मत होना। तुम लोग के स्कूल में प्रोग्राम ब्लूजे में कराया जाता है, सो ब्लूजे में मैं बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है, ताकि तुम स्कूल में कर पाओ, बट अभी नहीं, अभी कुछ क्लासेस बाद। क्लियर हो गया? यस सर। बाकी तुम प्रोग्राम चाहे ब्लूजे में लिखो या फिर वीएस कोड में लिखो, प्रोग्राम सेम ही होता है, प्रोग्राम डिफरेंट नहीं होता, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहले हमें एक नई फाइल बनानी होगी प्रोग्राम लिखने के लिए। तो नई फाइल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये नाइन्थ फोल्डर जो दिख रहा है, ये फोल्डर कैसे बनाते हैं सब मैं बताऊंगा। इसमें एक नई फाइल ओपन करोगे, इसका नाम मैं देता हूं माई डेमो प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पे नाम मैंने तीन वर्ड से मिला के बनाया है, इसीलिए हर वर्ड का पहला लेटर मैंने अपर केस में कर दिया है, इसका ध्यान रखना सब लोग। ये हमारे फाइल का नाम हो गया, और नाम के बाद लगाएंगे हम डॉट जावा। डॉट के बाद जो लिखते हैं इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। डॉट जावा लगाने से क्या होगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये जावा फाइल है। एंटर, हमारा फाइल क्रिएट हो गया। अब इसमें प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले क्लास बनाते हैं, लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है, देखो माय फर्स्ट डेमो प्रोग्राम ना, सेम हमारे क्लास का नाम होगा, माय डेमो प्रोग्राम है, माय डेमो प्रोग्राम, ये हमारे क्लास का नाम हो गया। क्लास के नीचे क्लास का ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं हम, ब्रेसेस की हेल्प से, ओपनिंग ब्रेसेस एंड देन क्लोजिंग ब्रेसेस, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग ब्रेसेस और इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग ब्रेसेस। तो क्लास कहां से शुरू होगा, सी के ठीक नीचे, तो इसके नीचे ओपनिंग ब्रेसेस एंड देन उसके नीचे क्लोजिंग ब्रेसेस। अब जो भी प्रोग्राम लिखना है इस क्लास के अंदर लिखोगे। समझ में आया इतना सबको? यस सर। अब एक चीज और, जितना तुम पहले से पढ़े हो, बहुत कुछ पढ़े होगे, इंपोर्ट, स्कैनर, जो भी पहले से पढ़े हो सब भूल जाओ। अब मैं सिर्फ जो बताऊंगा वही लिखना है, उसके अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता। क्लियर हुआ? यस सर। तो क्लास के अंदर लाइन लिखेंगे हम, पब्लिक देन स्टैटिक, ये पूरा लोअर केस में होगा, देन वॉइड मेन
मेन के बाद पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा, देन ए आर जी एस, तुम सिर्फ ए आर भी लिख सकते हो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं? सो इस लाइन को हम बोलते हैं मेन मेथड, इसका नाम है मेन, ठीक है। तो अभी मेन मेथड क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो ये अभी तुम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। जो चीज मैं बोलूंगा कि बस इसको याद कर लो कि इसको यहाँ पे लिखते हैं, मीनिंग अभी डेफिनेशन में मत जाओ, तो उसको समझने की ज्यादा कोशिश मत करना, जिसको मैं मना कर दूंगा उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो इस लाइन को बोलते हैं हम मेन मेथड। अब इस लाइन का भी अपना ब्लॉक होता है, एरिया होता है, तो ब्लॉक कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन इस लाइन के नीचे, पी के ठीक नीचे ओपनिंग ब्रेसेस और उसके नीचे क्लोजिंग ब्रेसेस, इसको तुम बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब जो भी प्रोग्राम लिखेंगे हम इसी मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। तो मेन मेथड कहां से कहां तक है? लाइन नंबर 4 से लेके 6 तक, इसको इंक्रीज भी कर सकते हो इस पे। सो अब जो भी लिखेंगे यही लिखेंगे प्रोग्राम। तो किस चीज का प्रोग्राम है, क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का मतलब बस इतना ही है कि हमें कंप्यूटर को लिख के बोलना है कि कंप्यूटर भाई अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। राइट अ प्रोग्राम, डब्ल्यू मतलब राइट, ए मतलब अ, पी मतलब प्रिंट, सॉरी प्रोग्राम। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये प्रोग्राम है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर अगर जावा में कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हम प्रिंट एलएन नाम के मेथड को इन्वोक करते हैं। इन्वोक मतलब कॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉल कैसे करेंगे मेथड को, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये पूरा इसी तरीके जब भी कुछ प्रिंट करना होगा ये पूरा लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। और अब जो भी प्रिंट करना है पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन के अंदर लिख दोगे। क्या प्रिंट करना है तुम्हें? हेलो वर्ल्ड, सो हेलो वर्ल्ड, तुम्हें जो भी प्रिंट करना है लिख दोगे, उसको प्रिंट कर देगा। और इस लाइन के बाद सेमी कॉलन, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ये हमारा जावा लैंग्वेज में एक सिंपल प्रोग्राम हो गया हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, जो लिख दोगे यहाँ डबल कोटेशन वही आउटपुट आ जाएगा। समझ में आया सबको इतना? यस सर। यस सर। अब इस प्रोग्राम में दो तीन चीजें, पहला इस पूरा का पूरा प्रोग्राम लोअर केस में है, ठीक है, जावा केस सेंसिटिव है, मतलब जहां पे जो लोअर केस में है वो लोअर केस में ही होना चाहिए और जहां पे जो अपर केस में है वो अपर केस में ही होना चाहिए, चेंज करोगे तो एरर आ जाएगा। सो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ क्लास नेम में हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में होगा। क्लास नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, जो भी देना चाहो तुम। अगर जैसे मान लो यहाँ पे क्लास नेम है, तुम चाहो तो यहाँ पे क्लास नेम बस डेमो दे सकते हो, चाहो तो क्लास नेम एबीसी दे सकते हो, तुम जो भी देना चाहो क्लास नेम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये ध्यान रखना, जो क्लास नेम रहेगा वही फाइल नेम रहेगा। अगर क्लास नेम डेमो दे दिए तो यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम है माई डेमो प्रोग्राम, ये भी चेंज करके डेमो करना पड़ेगा। सो मैं वापस पुराना नाम कर देता हूँ, माई फर्स्ट माई डेमो प्रोग्राम, क्योंकि वही फाइल नेम है। दूसरी चीज, अब देखो बस ये नेम में हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में है, स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा और सिस्टम का एस अपर केस में होगा, बाकी पूरा प्रोग्राम देखो लोअर केस में है। और ये जो डबल कोटेशन के अंदर लिखे हो ये तो मैसेज है तुम्हारा, तुम जो लिखोगे प्रिंट कर देगा, अपर केस में लिखोगे अपर केस में, लोअर केस में लिखोगे लोअर केस में। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। और थर्ड चीज है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? देखो क्लास के नीचे मैंने ब्रेसेस ओपन किया है सी के ठीक नीचे और उसके ठीक नीचे क्लोज किया है। अब क्लास के अंदर जो भी लिखे हैं, देखो इतना ऐसे जगह छोड़ के लिखे हैं वर्टिकली, उसी तरीके से मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ब्रेसेस पी के ठीक नीचे ओपन है, उसके ठीक नीचे क्लोज है, और अब इसके अंदर जो भी लिखे हैं फिर इतना जगह छोड़ के लिखे हैं, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। एक कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, बट इससे प्रोग्राम में क्लैरिटी रहेगा, लिखोगे तुम्हारा टीचर देख के खुश होगा, तुम्हें मार्क्स एक नंबर एक्स्ट्रा ही देगा। सो तीसरी चीज थी। फोर्थ, प्रोग्राम में देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया है,
बट और किसी भी लाइन में सेमीकॉलन नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सेमीकॉलन हम वहां लगाते हैं जहां स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब स्टेटमेंट एंड हो रहा हो। सो पहले लाइन में देखो, क्लास माई डेमो प्रोग्राम, ये लाइन यहाँ पे एंड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके नीचे इसका बॉडी है, ब्लॉक है, तो यहाँ पे सेमीकॉलन नहीं लगा सकते। सेमीकॉलन लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि ये ऊपर वाली लाइन अलग है और नीचे वाला बॉडी अलग है, कंप्यूटर एरर दे देगा। उसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में भी सेमीकॉलन नहीं लगा सकते क्योंकि इसके नीचे इसका बॉडी है, ब्लॉक है। बट ये जो लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो वर्ल्ड, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसके नीचे इसका कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए यहाँ सेमी कॉलन लगेगा। समझ में आ गया? यस यस सर। मैं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो चुप कौन है? अमित तुम चुप हो? नो सर। ओके तो ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने का मतलब क्या हुआ? हम अपने कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई देखो मैंने इंस्ट्रक्शन लिख के रखा है जावा में, पढ़ो इसको और जो करने के लिए बोला गया है करो। और मैंने इसमें क्या बोला है कंप्यूटर करने के लिए? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हम ओपन करेंगे टर्मिनल विजुअल स्टूडियो कोड में। जस्ट वन मिनट वेट कर लो। सो रन कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को? रन करने के लिए हम ओपन करेंगे टर्मिनल। तो टर्मिनल कैसे ऊपर ओपन होगा? ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ टर्मिनल, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, नीचे टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, अब इसी में प्रोग्राम को रन करेंगे। इस टर्मिनल को हम आउटपुट स्क्रीन भी बोलते हैं। ये जो हमने हमारा नीचे टर्मिनल ओपन हुआ है इसको हम, ये जो नीचे ओपन हुआ है इसको आउटपुट स्क्रीन भी बोलते हैं, यहीं पे आउटपुट शो करता है। ठीक है, सो कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम सेव कहाँ पे है ये देखो। तो इसको देखने के लिए मैं अपना कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सो मैं ओपन करता हूं अपना फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर है देखो टीच नाम का, इसके अंदर एक फोल्डर है जावा नाम का, और इसके अंदर एक फोल्डर है नाइन्थ नाम का। इसी के अंदर हमारा प्रोग्राम है, देखो कहीं ना कहीं, ये देखो दिखा, माई डेमो प्रोग्राम डॉट जावा। यस सर। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को रन करना है तो अपने टर्मिनल को इस नाइन्थ फोल्डर के अंदर लेके आना होगा। सो मैं ओपन करता हूं, तो देखो टर्मिनल ऑलरेडी नाइन्थ फोल्डर के अंदर है। देखो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर टीच, उसके अंदर जावा, उसके अंदर नाइन्थ। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से दो प्रोग्राम है, ठीक है? एक का नाम है जावा सी और एक का नाम है जावा, जावा लैंग्वेज के नाम पे ही नाम है। जावा सी को हम बोलते हैं कंपाइलर और इस जावा को बोलते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? ये जावा सी दो काम करता है, पहला प्रोग्राम में एरर चेक करता है और दूसरा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये बाइट कोड वाला पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी के लिए। बस ये जानो कि हमारा कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम में एरर चेक करता है, अगर एरर होगा तो बता देगा। और दूसरा जो जावा है, जो इंटरप्रेटर है, वो क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। बेसिकली इंटरप्रेटर भी एग्जैक्टली ये काम नहीं करता, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बट वो हम लोग उतना डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी सिंपल वे में समझो, कंपाइलर क्या करता है, जावा सी प्रोग्राम में एरर चेक करता है और जावा जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। समझ में आया? यस सर। तो टर्मिनल में सबसे पहले बताओ किसको बुलाएंगे, कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को? कंपाइलर कंपाइलर पहले एरर चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे जावा सी, कंपाइलर का नाम, कोई स्पेस नहीं होगा, फिर प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम क्या था? माई डेमो प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर। अब एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो अगर एरर होगा तो एरर बता देगा, और एरर नहीं हुआ
तो जो लाइन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टीच नाइन्थ, सेम लाइन नीचे आ जाएगा। चलो करते हैं, देखो प्रोग्राम सेव नहीं था, मैं सेव कर लिया। फिर से लाइन लिखते हैं जावा सी माई प्रोग्राम डॉट जावा। अब किसको बुलाएंगे? इंटरप्रेटर को। तो इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जावा। तो लिखेंगे जावा और फिर प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम क्या है? माई डेमो प्रोग्राम। जब इंटरप्रेटर के साथ प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, इंटरप्रेटर के साथ, तो डॉट जावा नहीं लगाएंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे आउटपुट आ जाएगा, ये देखो आ गया आउटपुट। समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। सो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में तुम जो भी लिख दोगे प्रिंट कर देगा। जैसे तुम यहाँ हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करके तुम करना चाहते हो हेलो हाउ यू, तो सेव मैं कर लेता हूँ, कंट्रोल एस रन करता हूँ। अब फिर से कंपाइल करेंगे क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है। फिर रन करेंगे जावा माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, सॉरी माई डेमो प्रोग्राम। देखो हेलो हाउ आर यू, देखा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम चाहें तो कितनी बार भी system.out.println का यूज कर सकते हैं मेन के अंदर। जैसे फिर से मान लो कुछ और भी तुम्हें प्रिंट करना है तो फिर से यूज कर लो system.out.println। I am good. House is you। तो फिर से सेव करते हैं कंट्रोल एस और यहां भी सेमी कॉलन क्योंकि स्टेटमेंट है। फिर जावा सी माई डेमो प्रोग्राम डॉट जावा एंटर और फिर जावा माई डेमो प्रोग्राम। देखो आ गया हेलो हाउ आर यू, फिर आई एम गुड, हाउज यू। यस सर। तो समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। कह रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे हम लोग जावा सी लिख रहे हैं तो उसको लिखना कंपलसरी, हम लोग बिना एरर चेक किए अगर डायरेक्ट जावा कर देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि तुम एरर तो चेक करना होगा ना, क्योंकि तुम नया लिखे हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, राइट? यस सर। तो तुम्हें एरर चेक करना ही होगा इसलिए, क्योंकि जब जावा सी वाई लाइन लिखते हैं ना हम, तो सिर्फ एरर चेक नहीं होता, उस समय एक और काम होता है, प्रोग्राम बाइट कोड में करना होता है। आगे बताऊंगा, ठीक है? ओके सर, फाइन। सो दिस इज द एग्जाम्पल, अ बेसिक जावा प्रोग्राम।